क्लास 8 साइंस का लेसन नंबर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ऑन वर्ड्स. आंसर, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द एयर अबव इट. इट इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस. द गैसेस व्हिच ट्रैप द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. The most important greenhouse gases are water vapors, carbon dioxide and methane. These gases prevent the heat from leaving the atmosphere. The greenhouse effect is a natural process which keeps our planet warm and thus helps in human survival. However, Earth's greenhouse effect is getting stronger as burning of fossil fuels is increasing the amount of greenhouse gases in the atmosphere, leading to global warming. प्लांट्स कैन हेल्प टू बैलेंस द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ. इसको अभी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है. धरती के सरफेस और इसके ऊपर की एयर के वार्म होने को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. ये इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है. ये गैसेस सूर्य से आने वाली हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन कुछ इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं. अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो धरती का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता, पर कोल, पेट्रोलियम, डीजल की बर्निंग के कारण एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा तेजी से बढ़ रही है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर धरती पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को बैलेंस किया जा सकता है. ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए. इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.